नमस्कार दोस्तों, कुदरती जड़ी बूटियों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने ऐसा ही एक दिव्य पौधा लाया हूं, नई जड़ी बूटी के साथ और दोस्तों नई जानकारी के साथ आया हूं। दोस्तों, बारिश का मौसम है, बहुत ही ज़्यादा उमस हो रही है, गर्मी बहुत है। तो दोस्तों, मैं आपको आज छुईमुई कहते हैं इस पौधे को, लाजवंती का पौधा होता है, लाजवंती कहते हैं उस पौधे के बारे में मैं आपको पहचान कराऊंगा दोस्तों, उसके बारे में फ़ायदे के बारे में बताऊंगा, इसके क्या क्या दोस्तों फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, मेरा सबसे पहले आपसे आग्रह है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन वाली घंटी वाला बटन होता है वो दबा दें, और दोस्तों लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। तो आज मैं आपको सबसे पहले पौधा दिखाता हूँ, वो कैसा पौधा होता है लाजवंती का और ये कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, और भी बताऊँगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। दोस्तों, लाजवंती का पौधा होता है वो शर्मीला टाइप का होता है, उसका नाम ही है दोस्तों के लाजवंती, लज्जालू। तो दोस्तों, इसको लज्जा आती है, समझ लीजिए कि इसको छूने से इसके पत्ते हैं ना मुरझा जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको यही दिखा रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपको पौधा दिखाता हूँ कैसा होता है। देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे ये पौधा, इसको छूने मात्र से दोस्तों, इसको छूने मात्र से इनकी पत्तियाँ हैं ना वो सिकुड़ जाती हैं, आप उस तो देख पा रहे होंगे। ये जो पौधा है, तो दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए आपके सामने कैसा पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं। देखिए, मैंने छुआ इसको, ये देखिए ये सिकुड़ गई, ये देखिए, ये देखिए ये मुरझा गई, इसकी पहचान होती है। ये देखिए, इसकी पत्तियाँ हैं ना सिकुड़ने लगी, ये देखिए ये सिकुड़ गई, ये देखो सिकुड़ने लगी, ये देखो दोस्तों ये सिकुड़ रही हैं, ये देखो दोस्तों इसको छूने के बाद इनकी पत्तियाँ हैं ना सिकुड़ जाती हैं। अभी दोस्तों फैली हुई थी तो ये मुरझा गई हैं दोस्तों। ये दोस्तों इनमें पीले रंग का फूल आता है, आप देख रहे होंगे, ये देखो दोस्तों पीला फूल आता है दोस्तों, और भी यहाँ पर ये देखिए, और भी बता रहा हूँ आपको, ये देखिए छोटे पौधे हैं, ये देखिए कैसे मुरझा जाते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए वो मुरझा गया। तो इसकी पहचान होती है कि इसको छूने से इसके पत्ते ना मुरझा जाते हैं दोस्तों, ये देखिए इनको छूने से ही मात्र मुरझा जाते हैं, बहुत से लगे हैं छोटे छोटे पौधे, ये देखिए। तो दोस्तों इसकी ये ख़ास पहचान होती है दोस्तों, ये देखिए तुरंत ही पत्ते सिकुड़ जाते हैं। और भी दोस्तों यहाँ पर हैं पौधे, ये देखिए एक ये पौधा है, ये देखिए, ये देखिए कैसे छूने से ये सिकुड़ गए, देखिए दोस्तों आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, ये लाजवंती का पौधा है दोस्तों, और दोस्तों इसके फ़ायदे मैं आपको बता रहा हूँ, क्या क्या फ़ायदे हैं। देखिए दोस्तों, ये पौधा है, इनका मैं फ़ायदे बताता हूँ। अगर किसी को दोस्तों चोट लग जाए तो इसके पत्तों का लेप लगा लें तो खून है जो रक्त का स्राव होता है वो रुक जाएगा। दोस्तों, लटकी हुई त्वचा में अगर त्वचा लटक जाती है उम्र के बढ़ते हुए, तो दोस्तों इसके करना क्या है, इसके लिए आपको इसका जो पत्तियों का लेप है, पत्तियों का लेप बना लें, उसको लगा लें तो कुछ ही दिन के अंदर लटकी हुई खाल फिर से जमा हो जाती है। खांसी दवा के लिए, आस्थमा के लिए जड़ की ताबीज बना के पहन ले तो सभी गले के रोग हैं वो दूर हो जाते हैं दोस्तों। धतूरे का अगर नशा ज़्यादा हो गया हो तो इनके फूलों का चूर्ण बना करके सुबह शाम सेवन कराने से नशा कम हो जाता है दोस्तों। बवासीर के लिए इसका दोस्तों पंचांग का चूर्ण बना लें और सुबह 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 शाम आधी चम्मच दोनों टाइम इसका सेवन करें, बवासीर में बहुत ही जल्दी आराम पड़ेगा। और दोस्तों इसका पेस्ट बना करके मस्सों में भी लगाएं तो और जल्दी आराम पड़ेगा दोस्तों।
जिन माताओं का गर्भाशय निकल आता है बाहर, दोस्तों जिन माताओं का गर्भाशय बाहर निकल आता है, तो उनके लिए दोस्तों आधा आधा चम्मच इसका पंचांग का चूर्ण सुबह शाम सेवन करने से आराम मिल जाता है दोस्तों। दोस्तों किसी को घाव हो जाता है, जख्म हो जाता है, तो उसमें भी इसका लेप लगाएं, उसमें भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, आराम पड़ जाता है दोस्तों। अगर किसी को खुजली होती हो, खुजली चर्म रोग हो गया हो, तो तेल के साथ इसका जो है पंचांग को पका लें, उसका रस निकाल के पका लें, और दोस्तों उसी को तेल को लगाएं तो चर्म रोग जड़ से ठीक हो जाता है। दोस्तों इसके बीजों से शीघ्र पतन की शिकायत जड़ से ख़त्म हो जाती है, मर्दाना ताकत बढ़ाता है। इनके बीजों को लेकर के या ख़रीद करके चूर्ण बना करके दूध के साथ सेवन करने से तो मर्दाना ताकत बढ़ता, शीघ्र पतन की शिकायत ख़त्म हो जाती है। दोस्तों इसे लजबंती कहते हैं, छुईमुई। दोस्तों ये तीन प्रकार की होती है, एक होती है लज्जालू जो पीले फूल की होती है, दूसरी होती है लज्जालू लाल या गुलाबी फूल की होती है, दोस्तों तीसरी होती है ये अलम्बुसा जो पीले फूल के होते हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों यही है वो अलम्बुसा जिसे कहते हैं। तो दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ आपको, यही है वो, ये वाली अलम्बुसा के नाम से हम जिसको जानते हैं दोस्तों। तो ये है दोस्तों, इसकी ये जड़ होती है और दोस्तों इसकी पत्तियाँ होती हैं, ये देखिए इसमें हल्का सा आपको पीला फूल दिख रहा होगा, इस सुबह के वक्त खिल जाता है इसका फूल। तो दोस्तों ये इसकी पहचान है, इसको छूने से इसकी पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं दोस्तों। ये देखिए ये जैसे ये पत्ती है आप देख रहे होंगे, तो सिकुड़ जाती है इसकी पत्ती। तो दोस्तों ये है, आपको बता रहा हूँ, ये लजबंदी का पौधा है दोस्तों, आप पहचान लें और कहीं पे भी ढूंढ करके इसका इस्तेमाल करें दोस्तों। दोस्तों ये देखिए एक ये है, इसको छूने से ही इनकी पत्तियाँ सिकुड़ने लगती हैं, ये देखिए ये देख रहे हैं आप। तो दोस्तों ये है लजबंती का पौधा, आप देख रहे होंगे, ये देखिए ये भी मैंने तोड़ के दिखाया आपको, ये लजबंती का पौधा है दोस्तों, आप देख लीजिए गौर से, इसको बारीकी से देख सकते हैं आप, यही है लजबंती का पौधा। दोस्तों इनमें पीले रंग के फूल आते हैं दोस्तों, पीले रंग के फूल होते हैं दोस्तों, देख लीजिए इनमें, यही होता है लजबंती का पौधा। दोस्तों देखिए खेत खलिहान है, खेत हैं चारों तरफ, कुछ नहीं है, जंगली जंगल है दोस्तों। इन्हें देख लीजिए, पहचान लीजिए, मैं आपको अच्छी तरह दिखा रहा हूँ, यही होता है लजबंती का पौधा दोस्तों, ये देखिए। और इसको दोस्तों पहचान लें दोस्तों और इसका इस्तेमाल करें तोड़ करके। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी अच्छी जानकारी के साथ, नए पौधे के साथ, औषधि गुण से भरपूर जो पौधा हो। तो दोस्तों आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अच्छी जानकारी के साथ दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।